अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप सबको खुश रखे। दोस्तों आज हम आपके लिए ब्रेड मायोनीज बाल लेकर आए हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी है और में कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आप जस्ट थोड़ा सा वॉच करिए और फिर आप भी सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेड के पीस आपने उतने ले लेने हैं जितने आपने बार्स बनाने हैं। एक से डेढ़ आपने शिमला मिर्च ले लेनी है। हाफ़ के जी आपका चिकन है, बोनलेस चिकन है, इसको हमने बॉईल किया हुआ है। 1 टेबल स्पून आपका नमक है, नमक हस्बे जायका आप का लें। 1/2 टेबल स्पून आपके काली मिर्च है और मायोनीज आपको जितनी अच्छी लगती है आप उतनी ऐड कीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च है, ये 1 टेबल स्पून है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने बॉयल चिकन जो है, हाफ के जी जो आपका बॉयल चिकन है वो आप इसमें डालेंगे। वो डालने के बाद आप शिमला मिर्च डालेंगे जो कटी हुई है। उसके बाद आप मायोनीज डालेंगे। उसके बाद आप कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। उसके बाद काली मिर्च डालेंगे। उसके बाद नमक डालेंगे। इसके बाद आप इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। मेयोनीज आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको थोड़ी लगे आप डालेंगे तो उसके बाद थोड़ी और ऐड कर लीजिएगा। तो मसाला आपका रेडी हो गया है, इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ब्रेड का पीस ले लें, इसको ऐसे आप जैसे मैं काट रहा हूँ ऐसे काट लें। ब्रेड के पीसेस दोस्तों हमने काट लिए हैं, आपने इस तरह काट लेने हैं। अब आप पानी लगाएं, ये आप इसको डिप ही कर लें, दूसरी साइड से भी डिप कर लें। डिप करने के बाद आप इसको निचोड़ लें और इसमें फिर आप मसाला डालें। उसके बाद फिर आप इसको बंद कर लें। आपकी रेडी है, आप फिर से आप ये लें। दोस्तों बाल हमने बना लिए हैं ब्रेड बाल्स। अब उसके बाद आपने करना ये है कि एक बाल आपने पकड़ के और ये जो ब्रेड है, ब्रेड को आपने पीस के रख लेना है, जो साइडों से आपने काटे थे उन्हीं को बेशक आप कर लें।
अब आपने एक पकड़ के ऐसे आल में डिप कर लेना है। अब दोस्तों तकरीबन ये गोल्डन हो गए हैं। अब आप एक एक करके इनको निकाल लें। लीजिए दोस्तों, आपके ब्रेड माइनस बाल्स रेडी हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा। चलिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।